ठीक है, अभी आप अपना अगर सिलेबस चेक करोगे तो जैसे व्हाट इज प्रीमियर प्रो, इसका अपना थ्योरी पेपर नहीं है, व्हाट इज प्रीमियर प्रो, व्हाई एंड व्हाट फॉर, कॉन्सेप्ट फॉर नॉन लीनियर एडिटिंग। ठीक है, आपको लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग पता है क्या होती है? मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, आज फिर से रिपीट करता हूँ। जो लीनियर, ये जो सॉफ्टवेयर है आपका प्रीमियर है, ये नॉन लीनियर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। और जो लीनियर एडिटिंग है वो पुराने टाइम में होती थी। लीनियर मतलब एक ट्रैक ही होता था, उसमें आप कुछ भी कट नहीं लगा सकते हो या मल्टीपल ट्रैक नहीं होते थे। नॉन लीनियर एडिटिंग में आपके मल्टीपल ट्रैक होते हैं, वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री। आप वीडियो को ऊपर नीचे या ऑडियो ट्रैक को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, और प्रीमियर प्रो क्या है, आपने मुझे एक पीडीएफ बना के भी दिखाना है, एक्सप्लेन प्रीमियर प्रो एंड इट्स इंटरफेस। एक्सप्लेन ओके प्रीमियर सर, प्रो एंड इंटरफेस क्वेश्चन लिख लो, इसका आपने मुझे पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर लेना है। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स के वीडियो फॉर्मेट्स की, अलग अलग वीडियो फॉर्मेट्स क्या हैं। अभी जो आप वीडियो फॉर्मेट रेंडर कर रहे हो H.264, जिसका आउटपुट निकलता है MP4, ऐसे MPG, VOV, ठीक है, AVI, ऐसे काफी सारे वीडियो फॉर्मेट हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स, तो आपने ये फॉर्मेट बताने हैं। ठीक है, MPG, MP4, AVI, ठीक है, ये सारे वीडियो फॉर्मेट्स हैं हमारे। और जो फ्रेम रेट है, अभी हम 25 फ्रेम्स पर सेकेंड यूज कर रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर 25 फ्रेम्स को हम यूज कर रहे हैं, राइट। और ऐसे अलग अलग फ्रेम्स रेट होते हैं, जो NTSC होता है उसमें 30 फ्रेम पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, NTSC में 30 सेकेंड पर फ्रेम होते हैं, और PAL में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 25 फ्रेम्स होते हैं। ऐसे एस्पेक्ट रेशियो होती है कि एस्पेक्ट रेशियो कितनी रखनी है हमें, 16:9 रखनी है या 4:3 रखनी है, टीवी जैसे रखनी है या LED जैसे रखनी है या थिएटर जैसे रखनी है। ठीक है, और ये वीडियो आउटपुट्स क्या देनी है, सेम वीडियो फॉर्मेट थी कि आपको किस आउटपुट में देनी है आपको। ठीक है, वीडियो आउटपुट जैसे कि आपको थिएटर के लिए कोई आउटपुट देनी है, हर बार जब आपको प्रीमियर से रेंडर करने लगोगे तो आपके पास ये भी अब एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वीडियो आउटपुट्स कौन सी रखने हैं और एस्पेक्ट रेशियो कैसा रखना है। अब आते हैं वर्क फ्लो की, प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो कैसे रहता है। वर्क फ्लो मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है, उसमें एडिंग फुटेज, जो आप फुटेज को ऐड करते हो उसमें, फिर टाइम कोड, उसका टाइम कोड कितना रखना है कि जैसे आपको पता चल जाता है कि ये 20 सेकंड का हो गया अभी यहाँ तक, ये 30 सेकंड का बना, 35 सेकंड का बना, वो टाइम कोड होता है। और इंटरफेस ऑफ प्रीमियर, ऑल पैनल्स ऑफ प्रीमियर, टूल्स हैं उसमें, जिसमें ट्रैक सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल है, फिर प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करते हो, मॉनिटर है, सोर्स है, टाइमलाइन है, और ऑडियोमीटर्स हैं। ऑडियोमीटर्स मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये बता दूंगा। फिर नेक्स्ट है इसमें यूनिट 1 में इंपोर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फुटेज, प्रोजेक्ट सीक्वेंस कैप्चरिंग इंपोर्टिंग शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होती है, अब जैसे आप कोई कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, उसमें तो आपने 10 शॉट ले ली, जैसे कि मैंने कुछ बोलना है कि हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा डायलॉग है बट ये सही नहीं आ रहा, फिर मैंने दोबारा बोला हेलो स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग टोन पे, तो उसको आपको शॉर्ट करना है कि कौन सा फुटेज आपका फाइनल है, कौन सा क्लिप आपका फाइनल है, उसको आपको उसमें इंपोर्ट करना है। कैप्चरिंग अभी नहीं यूज होती है, ये पहले यूज होती थी कैप्चरिंग, हम टेप में उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर कैप्चर करके उसका वीडियो बना के उसको अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट करते थे या प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते थे। इंपोर्टिंग आपको पता चल गया है, जो आप फुटेज को इंपोर्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट विंडो में, ऐसे ही सीक्वेंस है आपका, वहां पे आपका सारा प्रोजेक्ट जो भी है आपके क्लिप्स वहां पे पड़े होते हैं और प्रोजेक्ट विंडो में आपके सारे क्लिप्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ टूल्स रहते हैं, तो हमने पहले प्रैक्टिकल किया, उसके बाद हमने अब इसको समझा कि हमारे यूनिट 1 में क्या था। अब इसमें कुछ और टूल हैं, लेयर्स, रिपल एडिट, रिपल एडिट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मार्कर्स और ये सब। तो आज हम क्या करते हैं, जैसे आपके जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं ये है, इसमें क्रिएट अ वीडियो इंक्लूड शॉर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, कि आपको किसी के नॉइस आ रही है अपने आपको, प्लीज म्यूट कर लो। किसी के वहां से, हाँ आप ठीक है, ठीक है। तो आपको एक वीडियो
बनाना है जिसमें डिफरेंट शॉर्ट्स हों, ठीक है? तो आज एक वीडियो वाला हम, मेरे पास ये क्लिप है कि डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मैं, आपने पहले स्टोरी बोर्ड वाले सब्जेक्ट में भी आप लोग बना रहे हो, मैं आपकी असाइनमेंट देख रहा था, तो है कि डिफरेंट शॉर्ट्स टाइप्स क्या होते हैं आपको। मेरे लैपटॉप की वॉइस भी आ रही है ना, ऑडियो आ रही यस सर। है, ऑडियो आ रही है आपको ना? आइटम इन हाई डिटेल। सबसे पहले आता है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। ये देखो, ये एक मूवी का रेफरेंस है जो यहाँ पे लगाया हुआ है, द फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स। और ऐसे एक्सट्रीम क्लोज शॉट, ऐसे आपको खुद का शूट करना है वीडियो क्लिप, और फिर उसका आपने खुद एक वीडियो बनाना और टेक्स्ट लिखना है, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। अब एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट कहाँ यूज होता है? Extreme close-up is used to focus on a subject or item in high detail. This highlights particular features for the audience. Commonly, it is used to convey emotion of the subject, with focus on eyes, mouth, and other facial expressions. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट है, ये मेनली हमें कुछ चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाना है तो उसके लिए यूज होता है। इसमें कॉमनली हम आईज, नोज, फेस, इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। बाकी हमारे प्रॉप्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे किसी की एयरिंग का हमने क्लोजअप दिखाना है, या कुछ एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाना है, किसी को हाईलाइट करना है, उस टाइम पे ये यूज होता है। किसी चीज को बहुत ज्यादा हमने हाई डिटेल में दिखाना है। Other ways of incorporating extreme close-ups in a film can consist of highlighting small details or individual actions, neglecting other actions off-screen to create suspense to which the audience are unaware of. A close-up is ये आता है क्लोजअप शॉट, आपके यहाँ चिन तक, चिन से तक या थोड़ा सा नीचे तक, ये एक मूवी का रेफरेंस है। but varies from an extreme close-up. इट इज सेम लाइक एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, बट इसमें थोड़ी सी डिटेल इसमें भी रहती है, थोड़ी सी लेस रहती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। framing more of the subject or item on screen. Close-ups are used for a variety of different reasons depending on the scene of the film, by dominating the field of vision, thus becoming the most important aspect of the shot. A close-up of a subject's face displays emotion, much like an extreme close-up, but in less high detail. It can also be implemented as a cut-in to focus attention to smaller aspects of a wider shot. A medium close-up frames the subject. फिर आता है मीडियम क्लोजअप शॉट, MCU। On screen from chest upwards. However, this does not distract the audience from the subject's face, as it is still the focal point of the shot. This type of shot develops an emotive response from an audience, as it presents an insight into a character's emotions via a non-verbal communication. Mid shots are defined. अब मिड क्लोजअप शॉट में थोड़ा सा हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी उसमें काउंट हो जाती है, कि थोड़ा सा यहाँ तक रहता है हमारी चेस्ट तक। फिर आता है By the amount of subject that is in view. It is accomplished by framing the subject from waist up and starts to give an impression of the whole subject. The framing allows space for the character to interact, either with other subjects or objects. It is commonly used as a bridge between wide shots and close-ups. वाइड शॉट और क्लोजअप शॉट के बीच में ये यूज होता है। और इसको हम कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? जब हमने किसी अपने करेक्टर को कोई किसी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या हमारा एनिमेटेड करेक्टर है उस टाइम, हम इतने साइज का, तो उस टाइम हम इसको मिड क्लोजअप शॉट को यूज करेंगे, सॉरी मिड शॉट को, ठीक है? तो हमारे यहाँ वेस्ट तक ये रहता है शॉट, और इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका भी रोल रहता है, कि आपको जब ये शॉट लेना है एनिमेशन में या लाइव में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा मिड शॉट रहेगा तो उसके साथ में उसका एनवायरनमेंट भी दिखेगा साथ में, कि उसमें वहां पे कैसा इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। Used as a bridge between wide shots and close-ups. A full shot captures the subject from head to toe and thus takes up most of the frame. Usually this leaves space either side of the subject. This slowly adds significance to the location and setting of the scene. फिर आता है फुल शॉट। इसमें हमारा पूरा करेक्टर की भी फुल, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की इंट्रोडक्शन हो जाती है, प्लस हमारे इसमें लोकेशन का भी रोल रहता है, लोकेशन की भी इंट्रोडक्शन होती है। जैसे आपने दबंग मूवी में देखा होगा कि सलमान खान की एंट्री होती है, तो पहले एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट दिखाते हैं उसकी ग्लासेस के, उसके पैरों के, कि जब वहां पे वो पैर रख रहा है तो धूल मिट्टी उड़ रही है, उसकी आईज के, उसके बाद फिर लास्ट में फुल शॉट के साथ करेक्टर को रिवील करते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे इस तरह के शॉट्स यूज होते हैं, या और जगह भी ये यूज हो सकते हैं। Commonly used as a shot to start a scene presenting the subject and again to finalize a scene to show the progression of the subject's actions balanced with the environment.
To an audience, this shot establishes physical and psychological information that can represent important narrative development. The emphasis in creating... फिर आता है वाइड शॉट. वाइड शॉट में करेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है, वहां पे हमारे लोकेशन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. जैसे ये देखो मूवी का सीन है, आप यहाँ करेक्टर का नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ से लग रहा है कि एक रिफ्यूजी जैसा कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं काफी सारे. तो उस इसमें ये रोल शॉट इज ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद इन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द फ्रेम. द वेरी वाइड शॉट फर्दर्स द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द सब्जेक्ट बाय रीपोजिशनिंग द कैमरा और बाय ज़ूमिंग आउट ऑन द सब्जेक्ट. The shot is defined by empty space either side of the subject. This type of shot establishes general background information accompanied by little subject information due to the small amount of screen space the subject takes up. Because of the setup of the shot, it is often used in film to create a sense of loneliness or isolation. Isolation या loneliness ऐसे कुछ दिखाना होगा भी character का, तो उस time भी we can use that wide shot. फिर आता है extreme long shot या bird eye view या इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पे टोटली अभी ये लोकेशन पे ही फोकस है. An extreme long shot can be used to establish a scene or location. This type of shot may incorporate the subject in small detail or simply focus on a location without the subject's presence. Sometimes the lack of subject is replaced by a narrative device. जैसे यहाँ पे देखो इंडिया गेट, ये गांधी मूवी में दिखाया हुआ है दिल्ली का, तो इसके ऊपर करेक्टर का कोई फोकस नहीं है, टोटली ये लोकेशन के ऊपर फोकस है. Be the shot with or without the subject. The intention is to establish the importance of a specific thing or place. This is why an extreme long shot is often referred to as an establishing shot. Extreme long shot ko hi hum establishing shot bhi bolte hain, ki jaise hame, for example, acha mujhe, main aapse question poochta hu, agar Jalandhar ko humne establish karna ho to hum kaun sa shot dikhayenge, batao. अगर हमने जलंधर को एस्टैब्लिश करना है कहीं मूवी में कि ये जलंधर की लोकेशन है, तो हम क्या ऐसा दिखाएंगे कि जिससे जलंधर का एस्टैब्लिश हो लोकेशन? आंसर करो सलोनी. प्लीज रिस्पोंड करो. चलो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप वाइट शॉट तो लेंगे, बट कौन सी जगह का? जैसे अब जलंधर दिखाना है मुझे, कोई हम जैसे कोई मूवी दिखा रहे हैं या कुछ, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट दिखाएंगे, एस्टैब्लिशिंग शॉट ही दिखाएंगे, ठीक है? बट उसमें क्या करेंगे हम कि जलंधर में जैसे मैकडोनल्ड वाली बिल्डिंग है, उसका शॉट दिखाएंगे वहां पे. स्टार्टिंग में एक शॉट दिखाया उसका, और उसके बाद वो चाहे इंटीरियर हमारा दिल्ली का है, हिमाचल का है, नोबडी नोज कि कहाँ शूटिंग हो रही है अंदर, बट एक बाहर का शॉट दिखा देते हैं, तो देखने वाले को ऐसे लगता है कि ये जलंधर का कोई स्टोरी चल रही है. ऐसे ही हमने दिल्ली का दिखाना होता है तो वहाँ पे वो हनुमान जी की मूर्ति दिखा देते हैं, बॉम्बे का दिखाना होता है तो गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देते हैं, या कोई सीरियल देखते हो आप उसमें कोई दिखाना होता है तो बिल्डिंग के बाहर का एक शॉट दिखा देते हैं, एस्टैब्लिशिंग शॉट, और उसके बाद फिर इंटीरियर वो पता नहीं जहां भी शूट हुआ है उस तरह से दिखा देते हैं, उसको एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाते हैं. जैसे हमने दिखाना है कि आप कन्या महाविद्यालय के अंदर हमारी कोई मूवी बन रही है, तो पहले कॉलेज का गेट दिखा दिया स्टार्टिंग में ही, तो एस्टैब्लिश हो गया. उसके बाद वो अंदर का शॉट शायद किसी और कॉलेज का भी हो तो भी ऐसा लगेगा कि वो कन्या महाविद्यालय के अंदर ही शूट हुआ है, तो उसको हम एस्टैब्लिशिंग शॉट बोलते हैं. और ये वाइड शॉट होता है ताकि इसमें लोकेशन वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम, तो ये सब रहता है इसके अंदर. तो ये डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स है, ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली